Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 2.4, that is the fall of Troy. Students, in this video we are going to see only question answer of this chapter. Okay, so let's begin. Okay, ये question answer पूरे आपके digest का ही है. So यहाँ पे देखिए building a story, आपको story बनानी है. तो आप देख सकते हो ये examples दिए गए हैं. The answer are given directly and underlined. Once there is a beautiful princess. इस तरीके से बनाया गया. हु लिव इन अ डर्टी ओल्ड शू इन अ पार्क. ओके, तो यहाँ पे ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले ये पढ़ लो ये वाला, और उसी के बेसिस पे ये आंसर्स दिए गए हैं. आप अपने तरीके से और भी बना सकते हो, ये आंसर्स दिए गए हैं, देख सकते हो आप. द सेंटेंस एज वन कंटिन्यूस पैसेज. कंटिन्यूस पैसेज में बनाना है आपको, यही जो आपने पहले लाइन बाय लाइन बनाया अब उसको पूरा एज अ स्टोरी बनाना है. सो वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस, जो कहाँ रहती थी, एक डर्टी ओल्ड शू इन अ पार्क में रहती थी. ही और शी एट नेल्स एंड स्क्रू एंड पेपर्स. शी वेंट ऑन अ प्लेन टू द आर्कटिक सर्कल. देयर शी सॉ ग्रीन माउंटेंस. वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो ये लेसन में. ठीक है, हम फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे. ये थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, बट आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रहा होगा. मैं पढ़ के बताती हूँ. शी वॉज थ्रिल्ड टू सी सो मैनी डिफरेंट थिंग्स विच शी हैड नेवर सीन बिफोर. दैट इज़ वाई शी डिसाइडेड टू विजिट अ न्यू प्लेस एवरी ईयर. वेन वी पुट दीज सेंटेंसेज गिवन अबव एज अ कंटिन्यूस पैसेज दे फॉर्म अ स्मॉल एंड सेंसिबल स्टोरी. सो यहाँ पे आप अपने तरीके से गेम खेल सकते हो ग्रुप चेंज करके. यहाँ पे ये बोला गया है इंटरव्यूज़ वाई. तो यहाँ पे भी वही देखो, ये दिया गया है आपको, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं फॉर लॉ ड्रामा एपिक रोमांस. तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाई डिड यू मैरी सीता. तो ये इंटरव्यू पे ही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वाई वाले क्वेश्चंस. व्हाई डिड योर फादर आस्क यू टू लीव द किंगडम. व्हाई डिड योर स्टेप मदर वॉन्ट यू टू लीव द किंगडम. आप अपने तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते, जरूरी नहीं है यही सब बनाओ. ठीक है, और यहाँ पे देखो हाउ वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं. हाउ डिड यू मैरी सीता, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यू हैव, ये सारे क्वेश्चन हैं. ये हमें इसकी स्टोरी पता है, ये लेसन ही क्या है, फॉल ऑफ ट्रॉय. तो ये आपको पता है फॉल ऑफ ट्रॉय क्या है, एपिक स्टोरी पे है. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें पूछे, क्योंकि ये जो रामायण है वो एपिक स्टोरी एपिक है. ठीक है, स्टोरी नहीं बोलेंगे, एपिक है, महाकाव्य है वो. ओके, आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे. स्टूडेंट्स, ये जैसे ही आपके कमेंट आए वैसे ही मैंने अपने स्टूडेंट से इसके फ़ोटोज़ मंगाए हैं आपके लिए. ठीक है, उसने फ़ोटोज़ भेजे हैं लेकिन थोड़ा सा ब्लर है, वो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए. जो ब्लर है वो मैं रीड करके इसलिए बता दे रही हूँ आपको. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो था, यहाँ पर क्वेश्चन था ना, ये रहा एक्सप्लेनेशन. व्हाई डिड फादर आस्क टू यू लीव द किंगडम. अब इसके यहाँ पे आंसर देखियो, माई फादर फुलफिल्ड माई स्टेप मदर कैकेज विश एंड बैनिश्ड मी फ्रॉम अयोध्या. व्हाई डिड योर स्टेप मदर वॉन्ट यू टू लीव द किंगडम. माई स्टेप मदर कैके वॉन्टेड हर सन भरत टू बिकम द किंग. दिस वुड नॉट हैव बीन. अब वहाँ पे क्वेश्चन है, उसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, आप देख सकते हो, इसे मैं रीड नहीं करूँगी. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके आंसर्स भी यहाँ पे देख सकते हो आप. मैं पूरा रीड अगर करती हूँ तो काफ़ी लेंदी हो जाता है वीडियो, तो आपको ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे. जो इजी है वो मैं आपको वैसे ही शो कर रही हूँ, आप आंसर लिख सको. स्टूडेंट्स, आप बार बार कमेंट करते हो कि मिस आपको ये ऐप कहाँ मिला, आंसर कहाँ मिला इसका. तो ये कोई ऐप आंसर नहीं है, कहीं से मिलता नहीं है, ये आपके डाइजेस्ट का ही आंसर होता है. जैसे ही आपके कॉमेंट्स आते हैं और इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए, वैसे ही मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी जल्दी आपके लिए वो मिल जाए फटाफट. तो इसलिए मैं आपके लिए ये अपने स्टूडेंट्स के पास रहता है तो उनसे मंगा लेती हूँ, अगर अवेलेबल मेरे पास नहीं रहता या फिर मैं अपने पास रहता है तो फिर मैं उसकी वीडियो से आपको खुद ही फ़ोटो क्लिक करके बता देती हूँ. ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कोई पीडीएफ नहीं है, जस्ट यहाँ पर मैं आपको जस्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको बता देती हूँ ताकि आप आंसर लिख सको. उसके बाद ये कैमराज के ही फ़ोटोज़ रहते हैं. ठीक है, गैलरी में ही है. वाई इज़ होमर ऑनर्ड विद द टाइटल फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री. तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो. ये लेसन आपने पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये. तो ये मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आपने पढ़ी हुई हैं.
ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ वापस से कि ये कोई ऐप नहीं है, ये आपके बुक का, आपके डाइजेस्ट का ही है, पिक क्लिक करके लिया गया है, आपको बताया गया है। एडजेक्टिव फॉर्म्स मैं आपको ग्रामर समझा देती हूँ। देखो हॉस्पिटैलिटी तो हॉस्पिटेबल, उसको किस में हमें बनाना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में। ओके, हीरो हीरोइक, हिस्ट्री हिस्टोरिकल, पोएम पोएटिक, ये एडजेक्टिव फॉर्म में। एक्टिव बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, तो देखो वॉइस चेंज करने के लिए बोला गया है, वॉइस ये एक्टिव पैसिव वॉइस आपको आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द इलियाड एंड द ओडिसी वर कंपोज बाय होमर, एक ये है, एक दूसरा ये है। नोबडी नोज हु द ऑथर ऑफ दिस एपिक इज, तो पहले का देखो यहाँ पे दिया गया है, पीपल बिलीव दैट होमर कंपोज द इलियाड एंड द ओडिसी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये इट इज़ बिलीव्ड को क्या बोला गया, पीपल बिलीव दैट, यहाँ पे दैट करके द होमर कंपोज द इलियाड एंड ओडिसी। दूसरा नोबडी नोज हु द ऑथर ऑफ दिस एपिक्स, तो यहाँ पे नोबडी का देखो, इट इज नोन हु द ऑथर ऑफ दिस एपिक्स। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप जो यहाँ पे देख रहे हो वही लिखो। यहाँ पे बोला गया कि आपने कोई स्टोरी देखी है जो भी उसमें बताया गया है, तो यस आई हैव सीन बोथ द रामायण एंड द महाभारत टीवी सीरियल्स। तो यहाँ पे अभी तो लॉकडाउन में भी तो चल रहा था ये, आपने देखा होगा आई होप। हु आर कंसिडर्ड टू बी द ऑथर्स ऑफ द एपिक रामायण एंड महाभारत, तो ये देखो हमें पता है जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्हें हम मानते हैं कि वो रामायण के ऑथर हैं, और जो महाभारत है उसके वेद व्यास मुनि जो थे उन्होंने लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, ट्रॉय वॉज अ रिच, डायरेक्टली आंसर दिया गया है, ये तो आप देख ही सकते हो आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ भी एक्सप्लेन करने ऐसा नहीं, जो एक्सप्लेन करने ऐसा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे ग्रामर के पार्ट है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको बोला गया है करेक्ट करना है, ठीक है, जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है उसे करेक्ट करना है। तो ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स केम आउट, ये दो यहाँ पे ये दोनों आंसर ऑलरेडी दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वर्कबुक में देख सकते हो, उसके आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। हाउ डिड द लोकेशन ऑफ ट्रॉय हेल्प इट टू ग्रो इनटू अ वेरी रिच प्रॉस्परस सिटी, देखो यहाँ पे दिया गया है ट्रॉय बहुत ही सिचुएटेड था, मतलब वेल सिचुएटेड था, और उसके सामने क्या था, समंदर था जहाँ पे ट्रॉय की शिप थी जिससे कि गुड्स और ग्रेन्स कैरी किए जाते थे, और एट द बैक, बैक में क्या था, रोज द हाई पिक ऑफ माउंट ईडा माउंट था जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, नदियों की धाराएँ बहती रहती थी। वैली में पूरा कैसा था, पूरा वेल वाटर्ड था और फर्टाइल था, कैटल के खाने के लिए घास मेडोज यानी घास के मैदान, शीप के लिए जो खाने के लिए वहाँ पे स्लोप सील थे वहाँ पे बहुत सारे थे खाने के लिए घास फूस, और ये बहुत ही अच्छे जगह पे सिचुएटेड था, और दोनों तरीके से अगर देखे जाए कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर दोनों ही तरीके से बहुत ही रिच एंड प्रॉस्परस सिटी था। कौन सा, ट्रॉय। हाउ वर द ट्रोजन्स प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम, आंसर देखिए सिंपल है, आपको 364 एटी देखिए तो आपको क्लियर दिखेगा, आप लिख पाओगे, इतना तो क्लियर दिखेगा कि आप लिख सको, ठीक है। रीड करके फटाफट बताते हैं, द ट्रोजन्स हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल अराउंड द सिटी सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी, ताकि वो समुद्र से अटैक ना कर पाए, और यहाँ पे बड़ा सा ह्यूज गेट था वॉल पे, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ वॉर गेट क्या हो जाता था, बंद कर दिया जाता था, और सिटी वॉज लाइक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, ठीक है, एक किले की तरह हो जाता था पूरा सिटी, सेफ था बिल्कुल अटैक से, ठीक है, ये आंसर है। अब यहाँ पे देखिए वही अपोजिट वाला आंसर है दिया गया है, एंटोनिम्स, ये तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग से आप ये चीज़ें पढ़ते आए हो फर्स्ट स्टैंडर्ड से। सिनोनिम्स ये भी इजी है, सिंपल है, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है आपको, वर्ब आपको दिया गया है, आपको वर्ब्स पिक आउट करना है, ठीक है, और उसके उस टेंस बताने हैं, पास्ट भी, उसका टेंस भी बताना है कि कौन सा टेंस है, पास्ट है, परफेक्ट है, क्या है। देखो राउंड द सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल, अब यहाँ पे देखो ये हैड जो है यही तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट ये आपका वर्ब है, तो दोनों ही वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और ये है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हैड का, हमें पता है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और ये बिल्ट थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है।
द वॉल वॉज सो ब्रॉड एंड पीपल कुड स्टैंड ऑन इट. इसमें आपको मॉडल ऑक्सिलरी करना है, निकालना है. तो सिंपल सी बात है, कुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, क्योंकि टेंस में तो ये है नहीं. ठीक है, तो कैन, कुड, वुड, शुड, माइट, ऑट एंड मे, ये सब के सब आपके तो मॉडल ऑक्सिलरी हैं, मॉडल वर्ब ही हैं. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कुड, यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एबिलिटी. ठीक है, कुड का मतलब ही क्या होता है, सकता था, सकते थे या सकना, तो ये एबिलिटी दिखाते हैं ना. पर्सनल रिस्पॉन्स सिंपल है, ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो. व्हाट डू यू थिंक इन नीडेड फॉर अ सिटी टू बी प्रॉस्परस. सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख सकते हो कि गुड नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ पे वाटर है, फर्टाइल लैंड है, एनिमीज से सेफ है. तो जो भी यहाँ के रूलर्स हैं वो इंटेलिजेंट हैं, सेंसिबल, ऑनेस्ट हैं. ठीक है, तो उन्हें हार्ड वर्किंग होना चाहिए. तो इसका यही है, रिच एंड प्रॉस्परस सिटी, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा ट्रॉय वाला, तो वही है प्रॉस्परस एंड रिच सिटी. ओके, तो यहाँ पे ये मैंने आंसर आपको बता दिया, एक बार मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ आंसर, ताकि कोई छूट ना जाए. एक बार हो गया है कि आपका आई थिंक 8th में मराठी का एक पेज छूट गया था, तो बच्चे बहुत परेशान हुए थे. मैं ट्राई करती हूँ कोई भी पेज छूटे नहीं. बराबर है, कोई डाउट है कौन सी पूछ लेना. जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसी में वीडियोस बना रही हूँ, तो आपको जो भी वीडियोस चाहिए आपको कमेंट करना है. ठीक है, सारे नहीं बना रही हूँ मैं, जो कमेंट्स आते हैं वही बनाती हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में या फिर वर्कबुक कंप्लीट करने में या एग्ज़ाम के टाइम. ये आपको पता ही है, वन वर्ड में आंसर लिखने हैं, जस्ट नेम ही बताने हैं उसके. तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर थोड़ा सा ब्लर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स ने फोटोज़ भेजे हैं, तो थोड़ा सा ये ब्लर है. करेक्ट आंसर्स गिवन डायरेक्टली, आंसर्स डायरेक्टली दिए गए हैं आपको. क्वेश्चन अब पता ही होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके वर्कबुक में. मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको आंसर अच्छे से दिखे. मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाओ. देखिए, जो आपके टफ वर्ड दिए जाते हैं ना, ये लर्न करना ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है, वॉट वॉज द कॉज ऑफ द 10 ईयर ओल्ड वॉर बिटवीन द ग्रीक्स ऑफ एंड द, क्या रीज़न था वही बताया गया. तो पेरिस जो कि प्रिंस था ट्रॉय का, उसने क्या किया था हेलेन को बहला फुसला के, जो ग्रीक की जो मेलेनस था, उस ग्रीक के किंग की वो वाइफ थी, उसको भगा लाया था और ट्रॉय में लेके आ गया था. ठीक है, ये आंसर आपको पता ही. फिर वो लोग बदला लेने के लिए आते हैं, इसलिए 10 साल तक ये लड़ाई चलती रहती है. ओके, एंटोनिम्स सिंपल है, एंटोनिम्स आपको पता ही है, तो ये भी मैं आपको कुछ बता नहीं रही हूँ. यहाँ पे सिनोनिम्स भी दिया हुआ है, देख सकते हो आप. कॉन्टेक्चुअल ग्रामर पे बेस्ड यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं. देखिए, ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, री राइट बिगिनिंग शी, शी से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया, शी हैड बीन ब्रॉट टू ट्रॉय बाय हिम. ठीक है, यहाँ पे देखो, शी हैड, ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय. अब यही हर को उठा के हम शी से स्टार्ट करेंगे. शी हैड बीन ब्रॉट, यानी कि ये देखिए एक्टिव पैसिव ही है. ठीक है, शी हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, और यहाँ पे क्या आंसर हो गया, हैड बीन ब्रॉट टू ट्रॉय बाय हिम. ठीक है, सेकेंड है द फाइटिंग वेंट. अब यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस करना है आपको जो अंडरलाइन वर्ड है. यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, विद इट्स वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म से स्टार्ट करना है. यानी कि फाइटिंग, फाइटिंग को फॉट कर दिया, लड़ा. जो यहाँ पे फाइटिंग था, फाइटिंग लड़ाई चली कितना, मतलब ऐसे फाइटिंग लिखा गया, फाइट को फॉट किया गया. दे फॉट डेली बट द सीज डिड नॉट एंड. पर्सनल रिस्पॉन्स, डू यू थिंक दैट वर्ड्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स. नो दे कैन नॉट, प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व ओनली बाय सिटिंग अराउंड अ टेबल एंड सॉर्टिंग आउट द डिस्प्यूट्स. ओके, द प्रैक्टिस ऑफ एन आई फॉर एन आई विल ओनली एंड अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. ठीक है, बोलते ना एक आँख के बदले एक आँख, तो ऐसे तो पूरा दुनिया क्या होगा, ब्लाइंड होगा. इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, नहीं ऐसे वॉर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, बैठ के एक जगह पे सबको मिल के बात करनी चाहिए. और वॉर क्या करता है, सिविलाइजेशन को ही, लोगों को मार देता है, सिविलाइजेशन को ही पूरा किल कर डालता है. आंसर देखते हैं अभी. कंपाउंड वर्ड्स सिंपल है, कंपाउंड वर्ड्स तो ठीक है. अब यहाँ पे दिया गया है वॉकिंग स्टिक, फायर इंजन, इंजन. तो मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फ्रेज अमंग द हिल्स. अब इससे लेके आपको क्या बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. बना दिया यहाँ पे, देख सकते हो आप अपने तरीके से भी कुछ बना सकते हो. एरर आपको ढूंढना है और करेक्ट करना है उसे.
इट इज़ बिलीव दैट द इलियाड एंड द ओडिसी वर कम्पोज बाय होमर. सो यहाँ पे देखो दिया गया है, इट इज़ बिलीव दैट द इलियाड एंड द ओडिसी वर कम्पोज बाय होमर. यानी जो ये बिलीव है यहाँ पे बिलीव रहेगा, और ये जो यहाँ पे कंपोज है यहाँ पे कंपोज जाएगा. ये क्या है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट है यहाँ पे. इट इज़ बिलीव दैट द इलियाड एंड द ओडिसी वर कंपोज बाय होमर. ठीक है, पिक आउट अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. प्रेजेंट पार्टिसिपल ग्रोइंग यही है पार्टिसिपल. ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. यहाँ पे देख सकते हो बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स. तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमांड नहीं है, तो क्या सर्टी हुआ, सिंपल है. फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड हॉस्पिटैलिटी. तो हॉस्पिटैलिटी में तो देखो बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल भी है, सोपी है, स्पॉइल है, होस्ट है, बहुत सारे मिल गया यहाँ पे. देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल ढूंढना है, लास्ट लेटर इज ट्रबल हिट डबल. ठीक है, हिट हिटिंग डबल हो गया ना, डबल टी हो गया. राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल. ये तो आपको पता ही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है. मेक अ वर्ड चैन ऑफ फोर मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउंस. एब्स्ट्रैक्ट नाउंस रिवेंज है, फिर ई से इम्पथी आ गया. सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, जिसे हम फील कर सकते हैं. वी कांट सी एंड वी कांट टच इट. तो ई से इम्पथी आ गया, वाई से यूथ आ गया, एच से हेल्थ आ गया, एच से ह्यूमैनिटी आ गया. ह्यूमैनिटी भी हो सकता है. मीडियम लेवल एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे आपको वर्ड जो पिक है इसके होमोफोन्स दो सेपरेट सेंटेंस बनाने हैं. तो देखो यहाँ पे पिक से एक बना दिया. होमोफोन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो सेम उसका प्रोनंसिएशन है बट स्पेलिंग इज़ डिफरेंट. तो देखो यहाँ पे है दोनों का. अब यहाँ पे क्या करना है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको बनाना है. ट्रोजन्स फॉट हार्ड. ये फॉट हार्ड ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना. तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कैसे बनाएंगे, तो हैड बीन होता है पास्ट परफेक्ट का, तो सिर्फ हैड होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होता है, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को ही प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. ठीक है, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. तो वही सेम चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि हैड बीन उसका होता है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के लास्ट में आईएनजी ऐड करते हैं. जैसे फाइट में फाइटिंग हो गया. Prepare a word register for all the words related to war from the lesson. तो war, enemy, attack ये सब उसी से related है ना. ये हम कह सकते हैं वेब चैन की तरह है. ओके, आप आगे चल के पढ़ोगे तो माइंड मैपिंग इसी तरीके से होता है. 11th 12th में Use the word force as a noun. ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, force है, F यहाँ पे स्पेलिंग है. तो as a verb use करना है दो सेपरेट सेंटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एज अ नाउन और एक यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया है. ब्लर है आई नो, बट क्लियर. आप 360 देखोगे तो आपको दिखेगा, आप लिख पाओगे, आप आंसर देख सकते हो. बाकी के भी एक्टिविटी देख लीजिए यहाँ पे, एक्शन एंड काउंटर एक्शन. एक्शन एंड काउंटर एक्शन क्या होता है, हेलन अलाउड विद पेरिस, ग्रीस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रॉय. The Greeks sailed to Troy and attacked. The Trojans fought hard and the siege continued for 10 years. तो ये होता है काउंटर एक्शन. ओके, तो देखते हैं अभी यहाँ पे आगे. आंसर डायरेक्टली दिया गया अंडरलाइन में, पूरा आंसर देख सकते हैं. आई होप कि मैंने एक भी पेज छोड़ा नहीं है. आई थिंक सारे मैंने बताए आपको. नेक्स्ट यहाँ पे जो बचा हुआ है वो आंसर है. भाई सेम सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट. क्लॉज है ये, क्लॉज आपको ग्रामर में सिखाया गया होगा तो आपको सुनने आएगा कि क्लॉज क्या होता है.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पार्ट वन देखा। जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर ये कैसा है, दो पार्ट में है, तो अलग अलग पढ़ाया भी जाता है, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं अलग से ही बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो तो एक घंटे का चला जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में।